हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ओवर स्मार्ट। मैं हूं आपके साथ सादिक अख्तर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप व्हाट्सएप के स्टेटस को अपने गैलरी में स्टोर कर सकते हैं बिना किसी ऐप के मदद से। तो फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए कि हम कोई भी ऐप को डाउनलोड करने वाले नहीं है, चाहे वो फ्री का हो या पेड हो। किसी भी तरह का मैं आपको ऐप लास्ट में नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे वीडियो में आप देखते होंगे वो लास्ट में क्या करते हैं कि भाई ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैं कुछ वैसा नहीं बोलूँगा। और आपको जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, आप व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वो जो भी स्टेटस डालते हैं, आपको वो स्टेटस अपने फ़ोन में मिल जाएगा बस कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में जाके वीडियो को लाइक भी कर देना और कुछ अच्छा सा कमेंट कर देना। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। मैं आपको थोड़ा डेमो करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं अपने व्हाट्सएप में जाता हूँ। व्हाट्सएप में स्टेटस में आप देख सकते हैं कि मेरे कॉन्टैक्ट्स के जितने भी लोग हैं व्हाट्सएप में, वो अपने स्टेटस को डाले। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ दोस्तों, कुछ पॉइंट्स को याद रखें। आपको आपके जितने भी व्हाट्सएप के स्टेटसेस हैं, जिनको जिन्हें भी आप अपने चाहते हैं कि आपके गैलरी में वो सेव हो जाए, सबसे पहले आपको उन्हें व्यू करना पड़ेगा। आपका कोई भी वीडियो है या कोई भी फोटो है, चले मैं कोई भी फोटो को अपने जैसे यहाँ पे सीन करता हूँ, तो आपको ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे सीन करना पड़ेगा। सीन करने से क्या होता है, वो डाउनलोड हो जाता है आपके मोबाइल में, वो डाउनलोड हो जाता है। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सच है जो हमसे छुपाया गया है। वो कहते हैं कि नहीं, आपको एक ऐप का जरूरत पड़ता है उसे डाउनलोड करने के लिए, लेकिन आप जान लें कि जब भी आप किसी स्टेटस को देखते हैं, जब भी किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट के स्टेटस को आप देखते हैं, वो अपने आप आपके मोबाइल के स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाता है। हाँ वो लेकिन टेम्प्रेरी फाइल के रूप में स्टोर होता है, यानी वो 24 आवर्स के लिए स्टोर होता है, फिर वो अपने आप डिलीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो भी जिस भी स्टेटस, चाहे वो इमेज हो या वीडियो, सबसे पहले व्हाट्सएप में आके उसे स्टेटस के अंदर आके सीन करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बता दूँ, एक बार आपने सीन कर लिया, उसके बाद आपको अपने मोबाइल के जो सा भी मोबाइल फ़ोन मॉडल है, आपको फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। एक बार आप अपने फाइल मैनेजर के अंदर चल जाते हैं, तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, इंटरनल शेयर स्टोरेज और एसडी कार्ड का। तो आपको अपनी इंटरनल शेयर स्टोरेज या इंटरनल स्टोरेज कह लीजिए, उसके अंदर जाना है। तो देखिए, मेरा इंटरनल शेयर स्टोरेज पहले से खुला हुआ है, तो इसमें अब आपको व्हाट्सएप को सर्च करना है। व्हाट्सएप, तो चलिए मुझे व्हाट्सएप मिल चुका है, व्हाट्सएप के अंदर चलिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे व्हाट्सएप में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने मीडिया के अंदर जाना है। मीडिया में हम चल गए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, बाय डिफॉल्ट क्या है, मेरा स्टेटसेस दिखा रहा है सबसे ऊपर में, लेकिन आपका क्या होगा, यहाँ पे स्टेटसेस नहीं दिखाएगा। मैं एक बार बैक करके दिखा देता हूँ। मैं फिर से व्हाट्सएप के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे तीन डॉट्स में डोंट शो हिडन फाइल्स। तो देख सकते हैं दोस्तों, बाय डिफॉल्ट जो भी फ़ोन आपका रहता है उसमें क्या रहता है, आप अगर व्हाट्सएप के अंदर जाते हैं तो उसके बाद मीडिया में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी स्टेटस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी आपको स्टेटस का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप यहाँ पे कितना भी सर्च कर लीजिए, आपको वो स्टेटस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आप एक बार व्हाट्सएप के अंदर आते हैं, फिर से मैं दिखा दूँ, आप एक बार व्हाट्सएप के अंदर आते हैं तो आपको ये अपर थ्री डॉट्स दिख रहा है, तीन डॉट, आपको उस पर क्लिक करना है और शो हिडन फाइल्स करना है। शो हिडन फाइल्स करने के बाद आपको मीडिया के अंदर जाना है, और यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन जो दिख रहा है डॉट स्टेटसेस, यानी स्टेटस का, उसके अंदर आपको जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जितने भी फोटोज और वीडियोस आज व्यू करके रखा है, वो सब यहाँ पे आके स्टोर हो चुका है। देखिए, मैंने आज इस स्टेटस को देखा था, इस इमेज को देखा था, तो ये यहाँ पे आके स्टोर हो चुका है। तो ये मैं बता दूँ, सिर्फ 24 आवर्स के लिए ये टेम्प्रेरी फाइल्स बन के यहाँ पे स्टोर होते हैं, लेकिन आपका ये फायदा होता है कि आप यहाँ से इसे उस दिन के बाद अगर आप चाहें तो इसे शेयर कर सकते हैं, मतलब उसी दिन 24 आवर्स के अंदर इसे शेयर करके अपने मीडिया में स्टोर भी कर सकते हैं, सॉरी अपने गैलरी में स्टोर भी कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखा कितना आसान तरीका है कि आप किसी के भी स्टेटस को, वीडियो को यहाँ पे अपने मोबाइल में बिना किसी ऐप के मदद से शेयर कर सकते हैं, उसे अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। अब आपको किसी को भी नहीं भेजना पड़ेगा कि अगर आप किसी का वीडियो को देखें और उसे और आपको वो वीडियो अच्छा लगा, तो आपको उसे मांगना पड़ रहा है कि भाई वीडियो बहुत मस्त है, प्लीज़ भेजना, और उसके रिप्लाई का वेट करना है। तो भाई देखा कितना सही तरीका है, इसे आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस को यहाँ पर आके व्हाट्सएप मीडिया और डॉट स्टेटिस्टिक्स के अंदर आके आप उसे अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फिर से एक बात याद रखना कि ये डॉट जो थ्री डॉट्स है उसमें आके अपने सो हिडन फाइल्स में कर लेना है, ठीक है। अगर आपका डोंट सो हिडन फाइल्स रहेगा, तो आप देख सकते हैं मैं एक बार डोंट सो हिडन फाइल्स करता हूं तो डॉट स्टेटसेस गायब हो जाता है। तो आपको तीन डॉट में आने के बाद आपको क्या करना है, मैं फिर से बता दूं, तीन डॉट में आने के बाद सो हिडन फाइल्स में करना है, तभी जाके आपका डॉट स्टेटसेस आएगा, वरना ये प्री डिफॉल्ट जो रहता है, बाय डिफॉल्ट ये हिडन फाइल के अंदर रहता है, ये आपको शो नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आपने देखा क्या कितने आसान तरीके से हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटसेस को शेयर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने गैलरी में बिना उससे मांगे या बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए हुए। सो फ्रेंड्स, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है, और अगर आप फिर से मैं बता दूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और हमें मदद करो ताकि हम और आगे बढ़ पाएँ और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला पाएँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।